हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड गाइस, वेलकम टू कार्टोग्राफी आईएएस, अ रिवॉल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। गाइस, आज का आपका लेक्चर होने वाला है मोशन ऑफ अर्थ का। अभी लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, आपका लास्ट लेक्चर जो ज्योग्राफी का था वो था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को, जो कि हमने काफ़ी डीप में कवर किया। हमने सारी कंट्रीज़ के बारे में देखा, कौन कौन सी कंट्रीज़ आपकी इक्वेटर पे है, कौन कौन सी आपकी कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, कौन सी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। एंड इवन हमने आर्कटिक सर्कल को भी नहीं छोड़ा, हमने आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल को भी नहीं छोड़ा, और हमने आईएसटी को भी कवर किया है, उसमें आईएसटी एंड जीएमटी को भी। ठीक है गाइस, और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है वो आज का आपका लेक्चर है मोशन ऑफ अर्थ का। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम दो इनोवेटिव कोर्स के बारे में देखते हैं जो कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए लेके आए। सबसे पहले है यूपीएससी पंचामृत 2020। यूपीएससी पंचामृत 2020 में आपको 5 मॉड्यूल मिलते हैं। एक है ओडब्ल्यूसी सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसमें आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल वेबसाइट्स हम कवर कराएंगे विद हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स के थ्रू आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स को हम कवर करेंगे। सेकेंड है आपके B2M सीरीज। B2M सीरीज में आपको बुक टू मैप टेक्निक के थ्रू हम काफ़ी सारे आपको मैप्स कराएंगे। 500 प्लस मैप्स आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज़ करके आपकी मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसके बाद है आपका थर्ड मॉड्यूल है NCERT माइंड मैप्स। NCERT माइंड मैप्स मतलब कि हमने जो NCERT आपकी जो नॉर्मल फॉर्म में रिटर्न होती है उसको हमने माइंड मैप के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे एक तो आपकी रिविज़न, जो रिविज़न करते हो बुक्स की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो काफ़ी ईजी हो जाती है, और जो आपकी मेमोरी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। आप काफ़ी लॉन्ग रन तक इसको याद में रख सकते हैं। एंड इसके बाद है हमारा कार्टोग्राफी या करंट कैप्सूल। गाइस, करंट कैप्सूल आपको पता ही होगा, करंट आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके लिए करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है, एक UPSC का करंट अलग होता है बाकी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से। यहाँ जो आपको ये जो करंट मिलेगा ये हाईली UPSC फोकस करंट अफेयर है, ये वाला UPSC को बिल्कुल फोकस में रख के बनाया गया है। एंड यहाँ पे जो आपका फिफ्थ मॉड्यूल है वो है UPSC मेगा पॉइंटर्स। मेगा पॉइंटर्स गाइस, हमने जो आपके स्टैटिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक आपकी GK है, उसको हमने मेगा पॉइंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मेगा पॉइंटर्स ये आपके UPSC प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपका 4 अक्टूबर को आ रहा है ये पूरी आपकी स्टैटिक GK को कवर करेगा। 4 अक्टूबर 2020 को आपका एग्ज़ाम आ रहा है UPSC का, उसी को फोकस में रख के ये मेगा पॉइंटर्स तैयार करे गए हैं। तो गाइस, जल्दी से जल्दी इस मॉड्यूल को खरीदिए, और इसमें आपको रिटर्न गारंटी भी हम देते हैं 30 क्वेश्चंस की। इस मॉड्यूल से आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी है, जो आपको 3999 में अवेलेबल है। कितने में गाइस? सिर्फ 3999 में ये मॉड्यूल आपको अवेलेबल है, ये कोर्स आपको 3999 में अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी इसको बाय करिए। ओके, एंड द सेकंड कोर्स जो कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए लेके आया है वो है UPPSC 60 डेज क्रैश कोर्स। गाइस, ये नाम का सिर्फ क्रैश कोर्स है, ये नाम का सिर्फ आपका क्रैश कोर्स है। इसमें आपको पूरी की पूरी क्लासेस, आपको पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, वो भी सिर्फ 60 दिन में। और UPIN इसके अंदर आपको 140 प्लस क्लासेस दी जाएगी, 15 टेस्ट है। एंड इसमें आपके जो UP की जो GK है वो अलग से कराई जाएगी, UP की GK में। एंड UP की जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी आपको सारे कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स में आपका इकोनॉमिक सर्वे और UP का इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही इसमें कवर कराए जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपका UP का इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा और बजट भी होएगा, और UP की GK की क्लास आपकी सेपरेट होएगी। काफ़ी अच्छे से ये मॉड्यूल आपके लिए बनाया गया, ये क्रैश कोर्स। एंड गाइज, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, ये सब आपको मैप के थ्रू कराया जाएगा। जहाँ पे भी आप नहीं सोच सकते कि ये कैसे मैप के थ्रू होएगा, वो सब आपको मैप के थ्रू कराया जाएगा। इसमें आपको 300 प्लस मैप्स हम प्रोवाइड करेंगे। एंड इवन इसमें आपको आपकी जो UPGK है, UPGK भी आप मैप के थ्रू ही कवर करेंगे। कोई नहीं कराता मैप के थ्रू, हम आपको मैप के थ्रू ये कवर करके देंगे। बस आपको ये कोर्स करना है, तो अगर आपको ये करना है तो हम इसमें आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही होगा 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके UPPSC में। इसमें हम आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं, एंड ये आपको 4999 में अवेलेबल है। कितने में गाइस? 4999 में ये आपको मॉड्यूल अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी खरीदिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो चलिए गाइस, आज हम अपने मेन
सब्जेक्ट पे आते हैं, ज्योग्राफी हम कर रहे हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट, आज का हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अर्थ। तो चलिए मोशन ऑफ अर्थ, मोशन की हम बात करते हैं तो अर्थ में दो टाइप के मोशन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है रोटेशन, एक है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब घूर्णन एंड रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? परिक्रमण, एंड रोटेशन होता है घूर्णन। दो टाइप के मोशन अर्थ में देखे गए हैं। कौन कौन से है? रोटेशन में क्या होता है गाइस? रोटेशन में अर्थ एक ही जगह घूमती है अपने एक्सिस पे। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। मान लीजिए अभी हम टिल्ट की बात नहीं करते, ये तो ये कैसे मूव कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अर्थ की रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मोशन अर्थ का जो ये रोटेशन मोशन है, इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम और भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड इसको हम वेस्ट टू ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में क्या होता है गाइस? रिवॉल्यूशन में अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही होती है। सन, ये हमारा सन है एंड ये है हमारी अर्थ, प्यारी अर्थ। ये क्या है? इसके ये फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड घूमती है अर्थ, ठीक है, इस पे पूरे पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे अर्थ मूव करती है। इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, एक किसी चीज़ के परिक्रमा करना। एंड ये आपका जो रोटेशन है वो 24 आवर में करती है अर्थ, ठीक है, एंड रिवॉल्यूशन कितने में करती है? 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं डिटेल में। घूर्णन की हम सबसे पहले बात करते हैं, रोटेशन की। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे अर्थ की रोटेशन को, रोटेशन जो होती है उसको बोलते हैं रोटेशन। एक्सिस पे मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अब एक्सिस की बात आ रही है, एक्सिस क्या होती है गाइस? मान लीजिए ये अर्थ है और मैं कहूँ कि ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस का मतलब है वो इमेजिनरी लाइन जो दो पोल से पास होती है। क्या? नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी ऑब्जेक्ट की ये एक्सिस है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट्स है ये इसके पोल्स हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसी भी हो सकती है, तो ये इसके पोल्स हो जाएंगे, इस लाइन में ये इसके पोल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये इसकी एक्सिस होती है जिसके अराउंड वो घूमती है। ओके गाइस, क्लियर है ये सबको? तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड जो रोटेशन है, रोटेशन का अगर मैं बात करूं तो अर्थ डे जो हम बोलते हैं, अर्थ डे भी बोलते हैं, कितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन करती है, ठीक है, कितने टाइम में एक घूर्णन होता है वो आप सब लोगों को पता है। 24 घंटे में आपका एक दिन होता है, ठीक है, 24 घंटे में एक रोटेशन होती है जिसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं। अगर हम वेरी प्रिसाइजली बात करते हैं तो 23 आवर्स एंड 56 मिनट में अर्थ का एक रोटेशन होता है, ठीक है। अर्थ की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट कैसे है गाइस? जैसे कि आपको पता है अर्थ की जो आपका जो सन है उसकी, वो आपके कहाँ से निकलता है? वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है और वेस्ट में डूबता है, ठीक है। सेम इसी के अपोजिट आपकी अर्थ घूमती है, अर्थ आपकी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमती है, ये आपका याद करने की एक ट्रिक है कि जैसे कि आपके जो सन कैसे निकलता है ईस्ट टू वेस्ट, सेम इसी के अपोजिट वेस्ट टू ईस्ट आपकी अर्थ घूमती है। ये आपको याद करने की एक ट्रिक है कि कैसे आप डायरेक्शन याद कर सकते हैं इसको, और ये एंटी क्लॉक वाइज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो आपने मेरी अगर यूनिवर्स की एंड अर्थ की, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया कि जो आपका यूनिवर्स है उसमें मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉक वाइज उनका मोशन है, ठीक है। अब रोटेशन से होता क्या है, क्या इफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर रोटेशन के, अर्थ के रोटेशन से? आपको पता ही होगा अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। कहीं कहीं दिन होता है, कहीं कहीं रात होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो रोटेशन की वजह से होती है। कैसे? ये देखो, इस डायग्राम में देखो, ये है आपका सन, ठीक है, और ये है आपकी अर्थ। अब देखो जो पार्ट अर्थ के
अर्थ का सन के आ गया, ये वाला पार्ट आपका सन के आ गया, तो यहाँ क्या है, यहाँ डे है, और ये वाला पार्ट सन के पीछे है, मतलब यहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही, तो यहाँ क्या है, नाइट है। क्लियर है? जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे यहाँ दिन बढ़ता जाएगा और वहाँ रात होती रहेगी दूसरी तरफ। ये गाइज, ये सब बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, क्योंकि इमेजिन काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। 3D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करना होता है, कैसे उनकी मूवमेंट्स हो रही होती है, ये सब इमेजिन करना होता है, इसलिए आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। ओके, तो जो एरिया सन के आगे होएगा वहाँ डे होएगा, एंड जो एरिया सन के पीछे होएगा वहाँ क्या होएगा, रात होएगी, नाइट होएगा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो रही है, ये जो लाइन फॉर्म हो रही है देख रहे हो, जो आपको डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, पूरे जो अर्थ पे एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, जो एक पतली सी लाइन होगी जो डिवाइड करती है रात और दिन को। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को गाइस बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हो सकता है आपको ये पता भी हो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो लाइन होती है जो आपके दिन और रात को डिवाइड करती है। क्लियर है? एंड अभी हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की, ठीक है, रोटेशन की स्पीड क्या है, तो गाइज रोटेशन की स्पीड मैक्सिमम जो है वो इक्वेटर पे है। कहाँ पे है? इक्वेटर पे है। कितनी है? 1650 किलोमीटर पर आर। 1650 किलोमीटर पर आर रोटेशन की स्पीड है अर्थ की। और मिनिमम कहाँ पे है? मिनिमम है पोल्स पे। पोल्स पे कितनी है? 0 किलोमीटर पर आर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसके अराउंड ही तो घूम रहा है, अगर आप यहाँ चले जाओगे तो यहाँ रोटेशन क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी। पोल है भाई, पोल पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक्सिस, एक्सिस मैंने क्या बताया था अभी, एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कनेक्ट करती है 90° नॉर्थ और 90° साउथ को, मतलब जो आपके पोल्स होती है उसको कनेक्ट करती है, वो होती है आपकी एक्सिस। और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, लाइन, द लाइन दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स डे एंड नाइट इज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो केस देखते हैं, एक केस है 0° इंक्लिनेशन का, एक है 23.5° इंक्लिनेशन का। ठीक है, 23.5 का यहीं पे बना हुआ है डायग्राम, 0° का मैं बना देता हूँ। ये देखो, मान लो ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये है इसकी एक्सिस, एक्सिस अभी 0° इंक्लिनेशन पे है, मतलब कि कोई इंक्लिनेशन नहीं है, 0° पे है। और यहाँ पे ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये है आपकी एक्सिस जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, ये है 23.5 पे टिल्टेड है। क्लियर है? तो यहाँ पे 0° में मान लो ये इसके आगे सन है, सन की रेज आ रही है, सन की रेज आ रही है, और आपका इक्वेटर इस टाइम पे कैसे होएगा, ऐसे होएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी लाइंस आपकी कैसे होएगी, ऐसे होएगी। ठीक है, ये सारे आपके लैटिट्यूड्स कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे लैटिट्यूड्स। ओके, तो यहाँ देखो अब सन की रेज यहाँ पे दिन कौन से, जो डे है वो कौन से एरिया में होएगा, जो सन के आगे एरिया होएगा, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपका डे होएगा। ठीक है, यहाँ क्या होएगा, डे होएगा, और इस वाले एरिया में क्या होएगा आपके, जो बैक साइड में नाइट होगी। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये जो एक्सिस है वही है आपकी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जब 0° है तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ रहा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू एक्सिस। बेशक एक्सिस अर्थ के बीच में से पास होती है, लेकिन हम बोल सकते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस के अराउंड ही बनेगा। क्लियर है? और अब यहाँ देखो, यहाँ ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले लैटिट्यूड्स देखते हैं तो इन दोनों लैटिट्यूड्स की ये भी दोनों इक्वल है, ये वाले लैटिट्यूड्स भी इक्वल है, है ना। वहीं अगर हम नीचे देखते हैं तो ये दो लैटिट्यूड्स भी इक्वल है और ये दो लैटिट्यूड्स भी इक्वल है, मतलब कि नीचे वाले सारे लैटिट्यूड इधर उधर के सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के लैटिट्यूड्स है वो दोनों इक्वल है।
तो इससे क्या पता चल रहा है, जहाँ आपका जितना आपका दिन है, जितना आपका डे है, वही आपकी नाइट है। अगर दिन आपका 12 घंटे का है तो 12 घंटे की आपकी नाइट है, अगर 0 डिग्री इंक्लिनेशन है। लेकिन क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है कि आपके डे इक्वल टू नाइट होते हैं? होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे दो बार होता है रियल लाइफ में, लेकिन हर दिन नहीं होता। लेकिन अगर हम 0 डिग्री की बात होते हैं तो हर दिन आपके डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। एंड लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, 23.5 डिग्री अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ठीक है, अर्थ की पोजीशन देखो। अब देखो यहाँ पे इक्वेटर ये है, अर्थ का इक्वेटर क्या है ये है, एंड एक लैटिट्यूड ये है, दूसरा लैटिट्यूड हमने ये ले लिया, और बाकी नीचे के ये दो लैटिट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सा बन रहा है? ये वाली लाइन जो है ये आपकी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाली बन रही है, दिख रही है आपको? ये वाली लाइन आपकी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। लेकिन क्या ये एक्सिस के इक्वल है? नहीं, एक्सिस के अराउंड नहीं है। एक्सिस आपकी ये है, एक्सिस आपकी कौन सी है? ये है आपकी एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या बन रहा है? ये है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ देखते हैं हम। सबसे पहले इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर का ये जितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस इतना ही है इक्वेटर के, दूसरी तरफ भी है, डे वाली साइड भी सेम है। ठीक है, यहाँ तो भाई अब देखो, दिख रहा है आपको, जितना आपका नाइट में है डिस्टेंस, उतना ही आपका डे वाले एरिया में है। तो यहाँ से क्या हुआ, डे इक्वल टू नाइट, डे इक्वल टू नाइट हुआ कहाँ पे? इक्वेटर पे। लेकिन वहीं अगर हम और ऊपर जाते हैं, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ डे की एरिया, डे की लेंथ कितनी है? इतनी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, लेकिन वहीं लेंथ नाइट की लेंथ कितनी है? कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, डे इज नॉट इक्वल टू नाइट। वहीं अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे जो नाइट है वो ज़्यादा बड़ी है, एंड जो डे है वो जो है वो छोटा है। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, डे छोटा है, नाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वहीं हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे डे काफ़ी बड़ा है और नाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है। दिख रहा है सबको? इसको मैं रब कर देता हूँ, देखो क्लियर है अब। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफ़ी ध्यान से देखना इस डायग्राम को, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये डायग्राम प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ईजिली आप ये सब इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब अर्थ 23.5 पे टिल्टेड है, तो इक्वेटर पे, सिर्फ इक्वेटर को छोड़ के बाकी सारी जगह डे एंड नाइट इक्वल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट इक्वेटर, सारी जगह जो आपके डे एंड नाइट है वो इक्वल नहीं है। सिर्फ इक्वेटर पे भी डे इक्वल टू नाइट है। डे और नाइट इक्वल कहाँ है? सिर्फ इक्वेटर पे है, बाकी सारी जगह इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपने अभी बात करी रोटेशन की। अब हम आते हैं रिवॉल्यूशन पे, परिक्रमण हम देखते हैं। परिक्रमण क्या होता है गाइस? परिक्रमण होता है जबकि आपके जो अर्थ है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के आसपास घूमती है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है अर्थ का, और इस ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? अर्थ की जो ऑर्बिट की शेप है वो है इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एंड इसमें टाइम कितना लगता है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है अर्थ को? 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज, कुछ याद आ रहा है इससे? आपको 365 डेज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको एक ईयर में 365 डेज देखने को मिलते हैं। क्लियर है? लेकिन आपने कभी अपने जो कैलेंडर है उसमें कभी आपने 365 डेज 6 आवर ऐसे देखा है? नहीं देखा ना, आपने सिर्फ 365 डेज देखे हैं। और कभी कभी आपको 366 डेज भी देखने को मिलते हैं, जो आप लीप ईयर बोलते हो। ऐसा क्यों? अब आप अपने कैलेंडर में 6 आवर को तो शो नहीं कर सकते ना, 6 घंटे को, इसलिए हम क्या लेते हैं, 365 डेज ही लेते हैं। मान लो फर्स्ट ईयर में लिया हमने 365 डेज, यहाँ क्या बचा, 6 घंटे बच गए। सेकंड ईयर में दोबारा हमने 365 डेज लिए, 6 घंटे बच गए। थर्ड ईयर में हमने दोबारा 365 डेज लिए अपने कैलेंडर में, 6 आवर्स यहाँ बच गए। अब फोर्थ ईयर में क्या हुआ, 365 हमने डेज दोबारा लिए, एंड यहाँ पे भी 6 घंटे ही आएंगे, लेकिन ये 6 करके कितने ऐड हो गए, ये 24 आवर हो गया। 24 आवर मतलब कि वन डे, एक डे में होते हैं ना आपके 24 आवर,
तो एक डे हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। किसमें ऐड कर देंगे, फोर्थ ईयर में ये वन डे हम ऐड कर देते हैं, तो 365 प्लस वन हो जाता है आपका 366 डेज। तो गाइज ये आपका होता है लीप ईयर। कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर बोलते हैं इसको। ये हर चार साल बाद आता है, ठीक है ना, हर चार साल बाद आपका लीप ईयर आता है। इसीलिए हमारा जो नॉर्मल जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है और लीप ईयर होता है आपका 366 डेज का। अभी हमने देखा कि रोटेशन की वजह से आपके डे एंड नाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है। लेकिन रिवॉल्यूशन की, परिक्रमण की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपके सीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। गाइज आपके सीजन्स बन रहे हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन आपके किसकी वजह से आ रहे हैं, ये आपके रिवॉल्यूशन की वजह से आ रहे हैं, आपके परिक्रमण की वजह से आ रहे हैं। गाइज यहाँ पे रिवॉल्यूशन क्रांति वाला रिवॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, ये मूवमेंट वाला है, ये मोशन वाला रिवॉल्यूशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको, अब हम अलग अलग से आगे देखेंगे इफेक्ट क्या आ रहा है आपका। डे एंड नाइट का फॉर्मेशन आ रहा है और सीजन का फॉर्मेशन आ रहा है। इंक्लिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके डे एंड नाइट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और आपके सीजन्स के फॉर्मेशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर मान लो अगर अर्थ इंक्लाइंड ही नहीं होती, मान लो अगर अर्थ यहाँ पे इंक्लाइंड ही नहीं होती, ठीक है, अर्थ मतलब ऐसी ही होती सेम, तो क्या होता, सीजन्स नहीं फॉर्म होते। क्यों, क्योंकि सारी जगह सेम ही सनलाइट आती, कोई कहीं टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, कहीं प्रेशर फॉर्म नहीं होता अलग से, सब जगह सिंपल ही रहता, ठीक है ना। काफ़ी कम सीजन्स का फॉर्मेशन का काफ़ी अलग ही तब एनवायरनमेंट होता। एंड एक साल में आपको कितने सीजन देखने को मिलते हैं, आपको समर देखने को मिलता है, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन आपको देखने को मिलते हैं। एंड सीजन किसकी वजह से चेंज होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से आपके सीजन देखने को मिलते हैं। अब हम ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखेंगे गाइज, ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी आँखों में छाप लो इस डायग्राम को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 जून से तब जब हमारा होता है समर सोलस्टिस। समर सोलस्टिस कैसे, अभी हम देखते हैं, ठीक है। 21 जून पे सबसे पहले आप अर्थ की पोजीशन देखो, ये डायग्राम है, अर्थ की पोजीशन को तुम ध्यान से देखोगे ये जो ये वाली लाइन है अर्थ के जो बीचों बीच से जा रही है, ये है इक्वेटर है। तो ये ऊपर वाला एरिया कौन सा है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाला है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कितना एरिया सन के तरफ है, इतना एरिया, और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना है, ये वाला एरिया। तो कौन सा एरिया ज़्यादा है, नॉर्थ का एरिया ज़्यादा है सन की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कब होएगा, 21 जून को। तो जब नॉर्थ का एरिया ज़्यादा होगा सन की तरफ, तो ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, ज़्यादा सनलाइट किसको मिलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी भी कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी भी आपकी नॉर्थ में ही होगी, ठीक है। समर का मौसम होएगा, क्या होएगा, सबसे ज़्यादा हीट और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, समर में आपके नॉर्दर्न में होगी। तो यहाँ क्या होएगा, यहाँ आपका समर मौसम होएगा। एंड गाइस ये जो हम लेते हैं ना, ये जो समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्स में हम देखते हैं स्प्रिंग सोलस्टिस एंड ऑटम सोलस्टिस, ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेके चलते हैं, हम साउदर्न हेमिस्फीयर को नहीं देखते हैं इसमें। वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ की, तो साउथ में क्या होगा, विंटर होएगा आपका। क्यों, क्योंकि आपका सन से वो दूर है, सन से दूर है, वहाँ पे सन की रेस कम आ रही है, इतने से एरिया में आ रही है। तो आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होएगा। लेकिन हम इसको बोलते हैं समर सोलस्टिस, क्यों, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं हमेशा, ठीक है ना, हम हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो यही है इसमें, जो सन की रेज होती है 21 जून को, सन की रेज कहाँ आती है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है। ये जो लाइन है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सन की। 21 जून को क्या होता है, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या आएगा, ज़्यादा हीट मिलेगी, तो क्या होगा, समर का मौसम होएगा। और वहीं अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं, जैसे जैसे आपको पता होगा, अगर सन की रेज किसी चीज़ पे डायरेक्ट पड़ रही है, या कोई भी रेज किसी भी सरफेस पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो स्लैंटिंग होती जाएगी, जैसे जैसे वो तिरछी होती जाएगी वैसे वैसे लेस हीट होती जाएगी उसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में
कवर करेगी, काफ़ी ज़्यादा एरिया में गिरेगी ये रेज़, इसलिए वहाँ के जो आपकी हीट होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसीलिए नॉर्थ पोल में क्या होता है, कम हीट होती है। वहीं अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने इक्वेटर की बात करी है, अब हम बात करते हैं पोल्स की। पोल देखो, पोल वाला एरिया, एक सेकेंड, ये गाइज ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी देखो, इस ये जो पूरा एरिया यहाँ क्या है, डे है, यहाँ पूरा डे है। मतलब कि जब तक सन, जब तक अर्थ की पोजीशन ये 21 जून के अराउंड रहेंगी, तब तक ये पोल पे क्या होगा, पोल, ये जो पोल होता है, पोल पे सिक्स मंथ तक डे रहता है। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे इस वाली जगह में 6 मंथ तक नाइट रहेगी पोल पे। इसलिए बोलते हैं कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे 6 महीने दिन निकलता है, 6 महीने रात निकलते हैं, लेकिन तब भी वहाँ हीट इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आपकी सनरेज आती है वो डायरेक्ट नहीं जाती, वो स्लैंटिंग होती है, स्लैंटिंग होती है, तो उसमें हीट नहीं होती, तब भी वहाँ पे बर्फ जमी रहती है काफ़ी ज़्यादा, बहुत कम टेम्परेचर होता है वहाँ का। ठीक है, अब हम इसी के अपोजिट बात करते हैं 22 दिसंबर की। गाइस ये जो डेट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साफ साफ आपसे बहुत ईजिली, बहुत मतलब कि डायरेक्टली आपसे ये डेट्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती है। 21 जून में आपका जो सन की डायरेक्ट रेज होती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, वहीं 22 दिसंबर पे आपकी जो सन रेज होती है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। सेम डायग्राम आप यहाँ पे भी देखिए, अब देखिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वक्त समर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये अर्थ के ज़्यादा क्लोज है, मतलब कि अर्थ जो आपके सन है उसके ज़्यादा क्लोज है। वहीं जो आपका ये देखो ये वाला है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा नहीं है सन के आगे, तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, इस टाइम पे विंटर होएगा। एंड आपको पता ही है दिसंबर में आपको क्या देखने को मिलता है, हमारी जो इंडिया है वो भी कहाँ है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, विंटर देखने को मिलता है दिसंबर में, देखने को मिलता है ना, विंटर देखने को मिलता है दिसंबर में। ठीक है, तो सन की रेज क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है, 23.5 साउथ, समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इस टाइम पे क्या होता है गाइस, लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है इस टाइम पे साउथ में सबसे बड़ा दिन होता है, एंड सबसे छोटे दिन होते हैं साउथ में। ठीक है, वहीं अगर हम समर सोलस्टिस की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या होता है, दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं एंड नाइट जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, एंड विंटर सोलस्टिस में क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि विंटर में क्या होता है, आपकी रात जो होती है वो जल्दी हो जाती है, तो नाइट जो होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू डे। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, क्लियर है। एंड एक एग्ज़ाम्पल है एनसीईआरटी में कि जो क्रिसमस है ऑस्ट्रेलिया में वो समर के टाइम पे मनाया जाता है, लेकिन जैसे कि आपने फ़ोटोज़ वगैरह देखी होगी, काफ़ी हर जगह जो है क्रिसमस वो ठंड के टाइम पे मनाया जाता है, देखे होगे कि काफ़ी बर्फ़ गिर रही होती है एंड सबने कोट वगैरह पहने होते हैं, तो हर कोई यही सोचता है कि क्रिसमस हमेशा हमेशा विंटर के टाइम पे मनाया जाता है, लेकिन ऐसा एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे कि क्रिसमस जो है वो समर के टाइम पे बनाते हैं। अब दो पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे कि डे इक्वल टू नाइट होता है, डे इक्वल टू नाइट होते हैं। ठीक है, ऐसी दो पोजीशन होती है, इक्विनॉक्स बोलते हैं हम इस पोजीशन को, इक्विनॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि इक्विनॉक्स क्या होता है, जब आपके डे इक्वल टू नाइट होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। ये डेट्स इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसमें है 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका इक्विनॉक्स होता है। इसमें आपकी सनरेज जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है, इसीलिए जो आपका ये है इक्विनॉक्स होता है। जैसा कि 0 डिग्री में आपने, जब 0 डिग्री इंक्लिनेशन वाले एग्जांपल देखे थे आपने, तब डे इक्वल टू नाइट था, डे इक्वल टू नाइट था, क्यों? क्योंकि आपके जो रेस थी वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रही थी। ठीक है ना, डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ रही थी, इसलिए डे इक्वल टू नाइट थे। इस टाइम पे क्या होगा, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, सारी जगह इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट होगा। ठीक है, क्लियर है।
तो चलिए अब हम एक डायग्राम और देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अर्थ की दो पोजीशन होती है, एक होती है पेरिहेलियन, एक होती है एपिहेलियन। देखो ये है एपिहेलियन एंड ये है पेरिहेलियन। क्या होता है अभी अर्थ की ये दो पोजीशन होती है एपिहेलियन एंड पेरिहेलियन। पेरिहेलियन वो होती है जबकि अर्थ सन के बहुत पास होता है। हमारा जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल, जो हमारा सन है वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। अर्थ जो है बिल्कुल बीचों, जो सन है वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं है हमारे ऑर्बिट में। जो अर्थ का ऑर्बिट है वो हल्का सा इधर उधर है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो वो हम 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन से, ठीक है। तो एपिहेलियन जो है वो फारदेस्ट पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट है सन से। देखो डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस देखो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है ये, ठीक है। कितने 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर आपका एपिहेलियन है और वहीं पे 14 करोड़ 73 लाख किलोमीटर है आपका पेरिहेलियन। क्लियर है। सबसे दूर वाले पॉइंट को बोलते हैं एपिहेलियन और जब सन, जो जब अर्थ सन के बिल्कुल पास होती है वो आपका पोजीशन होता है पेरिहेलियन। अब इसको याद कैसे करें, पेरिहेलियन में गाइस क्या होता है, पी से होता है पास, पी से होता है पेरिहेलियन, ठीक है। पी पी से आप याद रख सकते हो। सबसे पास कब होता है, पेरिहेलियन वाली पोजीशन पे, और सबसे दूर होती है एपिहेलियन वाली पोजीशन पे। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, देखो डेट देखो यहाँ पे 3 जनवरी को आपकी जो अर्थ है वो सन के बहुत पास होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे यहाँ की बात करूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, अब इससे ये भी तो बोल सकते हैं कि 3 जनवरी को गर्मी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अर्थ के जो कि, क्योंकि सन जो है वो अर्थ के बहुत पास है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि ये विंटर सोलस्टिस की वजह से होता है। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अर्थ से, सन से दूर होता है ना, सन से दूर होता है ना। इस वाली पोजीशन में देखो, ये देखो 22 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर है, ठीक है। सन के सिर्फ इतने एरिया में आपकी लाइट आ रही है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलता है। एंड वहीं पेरिहेलियन में जबकि सबसे दूर है तब भी आपको यहाँ पे आपका जो क्लाइमेट कैसा होता है, समर होता है। क्लियर है। 3 जनवरी को अगर हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जब सन के बिल्कुल पास है तो गर्मी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, तब विंटर होती है। पेरिहेलियन के टाइम पे क्या होता है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। तो क्लियर है गाइस। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन देखा है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन देखा है। रोटेशन का टाइम आर होता है 24 आर, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है रोटेशन की वजह से। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, आपके सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। सीजन्स का फॉर्मेशन समर विंटर ऑटम एंड आपका स्प्रिंग सीजन फॉर्म होते हैं। एंड इसमें आपने ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा है आपने, इसमें देखो ये जो आपका है ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है ये, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एंड ये जो आपकी पोजीशन होते हैं ये ऑटम इक्विनॉक्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और यहाँ पे 21 मार्च में स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आपने दो अपनी पोजीशन देखी अर्थ की, जब अर्थ सन के बहुत पास होती है तो पेरिहेलियन, जब सन से काफ़ी दूर होती है तो एपिहेलियन है। तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ दी जाएगी, वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।